Assalamualaikum viewers, this is me Karishma Kausar Khan, your henna artist. आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है बिना मेहंदी पाउडर के मेहंदी स्टेन कैसे, यानी मेहंदी का कलर कैसे हासिल किया जाए. ठीक हो गया. टुडे वी आर गोइंग टू मेक हेना स्टेन विदाउट यूजिंग हेना पाउडर. उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है शुगर, चीनी, टी, पत्ती, डो यानी आटे का पेड़ा और मैदा. इन चार चीज़ों की मदद से जो है वो हम अपना जो है वो मेहंदी का हेना का स्टेन तैयार करेंगे. 5 टेबलस्पून हम जो है वो चीनी लेंगे, 5 टेबलस्पून हम पत्ती लेंगे, डो हमें जो है वो अपने पॉट को जो है वो सीलिंग करने के काम आएगा. जब हम वीडियो बनाएंगे आगे चलेगा प्रोसेस तो ये आप देख लेंगे. और हेना पाउडर की जगह जो है हम यहाँ पे ये फ्लोर यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि जिससे हमें एक थिक कंसिस्टेंसी मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम अपने स्ट्रे को रख देते हैं साइड पर. सबसे पहले हम अपने पॉट को चूल्हे पर रखेंगे, ओके. लेकिन अभी मैंने यहाँ चूल्हे पर नहीं रखा, जब हम जो है वो हीटिंग वाला प्रोसेस करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. सबसे पहले जो है हम इस पॉट को लेंगे. पॉट के अंदर हम अपने छोटे इस कटोरी, इस बाउल को सेंटर में फिक्स कर देंगे. ठीक हो गया. उसके बाद एक और छोटा बाउल लेंगे और वो इसके ऊपर रख देंगे, ठीक. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमारा टी है, हमारी जो चाय पत्ती है, उसे हम इसके साइडों में गिरा देंगे. सॉरी, एहतियात से डालना है कि सेंटर में ना जाए. चारों तरफ आपने इस पत्ती से इस बॉल को, सॉरी, इस पॉट को कवर कर लेना है. आप यकीन जानिए इतना खूबसूरत स्टेन इससे आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे. बाज़ औक़ात इंसान को कहीं जाना होता है और हेना कौन जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त ये आपको बड़ी कारामद, बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है. ठीक हो गया जी. इसी तरह से हमने चारों तरफ से इसे कवर कर लिया. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, चीनी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने पत्ती यानी टी की लेयर के चारों तरफ लगाई है, इसी तरह हम इधर भी ये प्रोसेस करेंगे. ठीक हो गया. और जितनी ही मिकदार हमने चीनी और पत्ती की ली है उतनी ही हम पानी की भी डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे. और फिर इसके बाद जो है इसे आटे की डो से चारों तरफ से सीलिंग कर देंगे ताकि जो इसकी भाप है वो बाहर ना निकल सके. जो इसकी ड्रॉपिंग होगी, जो ड्रॉप बनेंगे, वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा, वो इस छोटे वाले बॉल के अंदर ही गिरता रहेगा, ड्रॉपिंग होता रहेगा, जो कि हमारा हेना स्टेन होगा. ठीक हो गया. ओके. जितनी हमने चीनी और पत्ती की मिकदार ली है बिल्कुल उसी तरह से हम उतना ही पानी की मिकदार लेंगे और चारों तरफ इसे डाल देंगे. और इसको बॉइलिंग पॉइंट पे रख देंगे. ठीक है. अब मरहला आता है सीलिंग का. अब हम एक लिड लेंगे, ठीक हो गया. इसे इसके ऊपर रख के इसे कवर कर देंगे. यहाँ पर ये होल है, इसे हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे ताकि हमारा जो स्टीम है वो यहाँ से बाहर ना आ सके. और चारों तरफ से भी जो है हम इसे कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डो. सो लेट्स स्टार्ट. हम डो लेंगे. सबसे पहले हम इसके सेंटर में ये डो लगाकर सबसे पहले इसके होल को सील कर देंगे. ठीक हो गया. अब चारों तरफ से इसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि स्टीम यहाँ से बाहर ना निकल सके. हमें जो एक बेहतरीन रिजल्ट चाहिए है वो हमें बआसानी इजीली हासिल हो जाए. ठीक हो गया. इसी तरह से हम थोड़ी सी और मिकदार लेंगे. और चारों तरफ से इसे सील करेंगे.
आपने अपने घर में बिल्कुल इसी तरह से यही मेथड अप्लाई करना है और मेरे साथ फिर आप अपने रिव्यू शेयर करें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, ये मेथड, ये हैक कैसा लगा आपको। ये बड़ा ही खूबसूरत हेना हैक है, आपने रिव्यू ज़रूर देना है। चाहे आपको अच्छा लगे तो आपने रिव्यू देना है, चाहे आपको बुरा लगे तो आपने रिव्यू ज़रूर देना है। जाहिर सी बात है हर चीज़ हर एक को पसंद नहीं हो सकती, लेकिन किसी न किसी को कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर होता है। बिल्कुल इसी तरह से इस मरहले को यहाँ भी जारी रखेंगे, ये प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू रहेगा सीलिंग का। ठीक, बिल्कुल अच्छी तरह से जो है हमें कवर करना है। एक बारी में ही बहुत अच्छे से मेहनत कर लें ताकि आपकी मेहनत जाया ना हो। फिर इसके बाद हम इसे चूल्हे पर रख देंगे। जी, तो हमारा ये मेथड रेडी हो गया। सो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने जो है वो इस पॉट को रख दिया है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर ये हमारा जो है अर्क जो है वो मेहंदी का तैयार हो जाएगा। हमें इस प्रोसेस के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट इनफ होंगे, काफ़ी होंगे। तो 10 से 15 मिनट जो है वो हमारे गुजर चुके हैं। अब हम जो है ये लिड को खोलेंगे और देखेंगे हमारा प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा जो है वो स्टेन तैयार हुआ है, गोल। आई होप सो आप देख पा रहे होंगे। जी, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो हमारा लिक्विड तैयार हो चुका है, स्टेन लिक्विड तैयार हो गया है। और कलर का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस डोर से हमने स्पॉट को सील किया था उसमें भी इसका कलर आ चुका है। तो जब हम इसको हाथ पर लगाएंगे तो इसका कितना खूबसूरत कलर आएगा। जी, जो हमने अपना लिक्विड स्टेन तैयार किया है उस स्टेन को हम जो है पहले न्यूज़पेपर नीचे रख देंगे ताकि गंदगी ना मचे, और उसके ऊपर हम अपना ये स्टेन रख देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना खूबसूरत कलर आया है। ठीक हो गया। अब आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है? अब आपने इसके अंदर कलर के लिए रेड कलर का फूड कलर आता है, आपने वो फूड कलर इसके अंदर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जितनी आपकी ज़रूरत हो। यहाँ मुझे जितनी नीड थी मैंने ऐड कर लिया, आपने भी बिल्कुल उसी तरह से ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत रेड सा कलर आ चुका है। मैं आपको सही से दिखा सकूं, आई होप सो। ठीक हो गया। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इसे स्ट्रेन करने लगे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको स्ट्रेन कर दिया। हमारे पास बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत से कलर का जो है वो स्ट्रेन तैयार हो चुका है, आप देख भी सकते होंगे। अब हम इसे मजीद छान लेंगे। आपने देखा बिना हेना पाउडर के हमने कितना खूबसूरत स्टेन तैयार कर लिया है। अगर आपके पास यहाँ फूड कलर मौजूद नहीं है तो आप सिंदूर का इस्तेमाल भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक, ये अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे ताकि ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा थिन हो। मैं हाथ में ले लेती हूँ ताकि आपको और इजीली नज़र आ सके।
जो लोग कहते हैं ना कि इतना रेड कलर, इतना खूबसूरत रेड कलर मेहंदी में कैसे आता है, तो वो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जिसे हम चीनी और पत्ती के घोल से तैयार करते हैं। मुझे यहाँ लगता है कि मुझे थोड़ा सा और जो है वो ऐड करना चाहिए मैदा, तो मैं और थोड़ा ऐड करूँगी। तब तक ऐड करती रहूँगी जब तक मुझे एक हिना कॉर्न की जो कंसिस्टेंसी होती है वो मुझे ना मिल जाए। ठीक हो गया जी, करीब करीब हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये मैं हाथ पर अप्लाई करके, ड्राई करके इसके रिजल्ट्स जो हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी बॉडी आर्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों पैरों पे फोटोग्राफी के लिए, और उसके बाद आप इसको वॉश करके इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको मेरी ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी तो आपने अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो एक कोन मेहंदी की कंसिस्टेंसी होती है, जब हम कोन मेहंदी खोलते हैं तो वो भी इसी तरह से इतने आराम से स्मूथली बह रही होती है। ठीक हो गया, अब मैं इसको आपको कॉटन बड्स की मदद से अप्लाई करके बताऊंगी। आप चाहें तो इसके अंदर हिना कोन यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी डाल दें, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हिना कोन। मैं आपको दोनों के रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ कि हिना कोन के साथ इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, और थोड़ा सा जो है वो लिक्विड मैंने एक अलग बॉल में निकाल दिया है, तो मैं दोनों अलग अलग हाथों पे या दोनों अलग अलग फॉर्म पे लगाकर आपको दोनों के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जो मेथड ज़्यादा पसंद आए आपने उसी को फॉलो करना है। आपको ओनली फूड कलर या सिंदूर का स्टेन आपको पसंद आता है तो आप इसे फॉलो करें। अगर आपको थोड़ा सा जो मैंने इसके अंदर कोन मेहंदी जो है ऐड की है, आप इस तरह से इसके अंदर कोन मेहंदी ऐड करके एक और घोल बना सकती हैं। दोनों में से आप जिससे सेटिस्फाई हो, जिससे आप मुतमईन हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बेटर है, तो दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकती हैं और एक बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर दोनों स्टेन अपने हाथ पर अप्लाई कर लिए हैं, फूड कलर वाला भी और कोन मिक्सिंग का भी। थोड़ी देर के बाद दोनों का स्टेन देखते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूअर्स, हमने जो दो घोल तैयार किए हैं, एक जो है वो मैदे वाला जो है फूड कलर के साथ मिलाकर हमने बनाया, ठीक है, और एक जिसमें हमने मेहंदी मिक्स की, ये मेहंदी वाला है और ये जो है फूड कलर का है। अब हम सबसे पहले जो अप्लाई करेंगे हाथ पैरों पे जो है वो मेहंदी वाला अप्लाई करेंगे, जो हमने लिक्विड बनाया है, पेस्ट बनाया है, और हाथों के ऊपर जो है हम फूड कलर वाला। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप दोनों में से जिसके साथ सेटिस्फाई हो आपने वो प्रोसीजर करना है। तो सबसे पहले जो है हमने मेहंदी वाला घोल जो बनाया, जिसमें हमने फूड कलर डालने के बाद मेहंदी कोन के जो है वो कोन्स के अंदर डाली थोड़ी सी। अब हम उसे पाँव पे अप्लाई करने लगे हैं। पहले मैं आपको पाँव पर लगा कर दिखाऊंगी, उसके बाद मैं हाथों पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये वाला लिक्विड हम पाँव पे अप्लाई करने लगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कॉटन बट की मदद से ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो स्टेन मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने कोन मेहंदी थोड़ी सी डालकर एक लिक्विड बना लिया। ठीक हो गया, अब उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने इसे पाँव पर लगाया है, ठीक। अब इसी तरह से जो दूसरा स्टेन जो विदाउट कोन मेहंदी है, विदाउट हिना पाउडर है, उसे हम हाथों पर अप्लाई करेंगे और अब आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अब हम इस स्टेन को रखते हैं साइड पर, जिसके अंदर कोन मेहंदी डालकर हमने एक मिक्सचर बनाया, और उस पेस्ट को अब सामने रखते हैं जो हमने फूड कलर और मैदे से बनाया। अब ये वो स्टेन है
जो विदाउट मेहंदी है जिसमें अंदर कॉर्न मेहंदी, जिसके अंदर हमने कॉर्न मेहंदी शामिल नहीं की, ऐड नहीं की। अब हम इसे हाथों पे अप्लाई करेंगे। हम इसे नेल्स के ऊपर भी लगाएंगे, नेल्स गंदे ना हो, इसीलिए मैंने जो है वो नेल्स के ऊपर जो है वो नेल पेंट यूज़ कर लिया है नेल्स के ऊपर। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ताकि आपके नेल्स जो हैं वो बिल्कुल महफूज रहें और गंदे ना हों। ये वो वाला स्टेन है जिसके अंदर कॉर्न मेहंदी शामिल नहीं की गई, जो खाली फूड कलर मैदे चीनी पत्ती का घोल है। मैं आपको इसी तरह बाकी की भी तमाम फिंगर्स पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों पर और पाँव पर जो हमने लिक्विड बनाए थे, स्टेन बनाए थे, वो दोनों हम अप्लाई कर चुके हैं। पाँव के ऊपर हमने जो स्टेन अप्लाई किया उसमें हिना कॉर्न मिक्स थी, और जो हाथों के ऊपर हमने स्टेन अप्लाई किया वो चीनी पत्ती का घोल, मैदा और फूड कलर है। ठीक हो गया। अभी हमने अप्लाई किया है, आफ्टर वॉश जो है हम आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, अभी हमने हाथ पाँव धो लिए हैं और रिजल्ट हमारे सामने है। पाँव पे हमें बहुत अच्छा स्टेन मिला क्योंकि इसके अंदर हमने जो है हल्का सा कॉर्न मेहंदी का जो लिक्विड है वो इसमें मिक्स कर लिया था। बनिस्बतन हाथ के हमें कोई भी स्टेन नहीं मिल सका, जैसे कि आप देख सकते हैं। इससे हमें ये मालूम हुआ, ये रिजल्ट हमें मिले कि हमारा जो ये ट्रिक है जिसमें हमने कॉर्न मेहंदी डालकर और एक लिक्विड बनाया, एक पेस्ट बनाया वो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना, जिससे हमारा स्टेन बहुत अच्छा आया और बहुत खिलता हुआ स्टेन आया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। काइंडली प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। मकसद इस प्रैक्टिकल का, इस तजुर्बे का आपके साथ शेयर करने का ये था कि आपको नो हाउ हो सके मटीरियल की, कौन सा मटीरियल जो है वो आपको स्टेन दे सकता है और कौन सा स्टेन नहीं दे सकता। इस तरह की YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो आपको ये बता रही होती हैं कि आप ये करेंगे तो उसका स्टेन आएगा, ये करेंगे तो ये स्टेन आएगा। आप यकीन जाने आधी से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो फेक होती हैं YouTube के ऊपर, सिर्फ जो है वो अपने लाइक्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। शुरू में मैंने आपको कहा था कि आपको बहुत अच्छे से स्टेन हासिल होगा, लेकिन वो स्टेन हमें कहाँ से मिला? प्रैक्टिकल करने के बाद, जिसमें हमने थोड़ा सा कॉर्न मेहंदी का लिक्विड ऐड किया, पेस्ट ऐड किया। ठीक हो गया। और जिसमें हमने मेहंदी का पेस्ट ऐड नहीं किया उसका रिजल्ट आपके सामने है। थैंक यू सो मच।